अगर अजीत पवार भाजपा में शामिल होते हैं तो महाराष्ट्र सरकार छोड़ देंगे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने चेतावनी जारी की है कि अगर अजीत पवार अपनी पार्टी के नेताओं के एक समूह के साथ भाजपा में शामिल होते हैं तो वो महाराष्ट्र में सरकार से बाहर हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को कहा कि रांकपा नेता अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने की स्थिति में वो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा नहीं होगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने चेतावनी जारी की है कि अगर पवार अपनी पार्टी के नेताओं के एक समूह के साथ भाजपा में शामिल होते हैं तो वो महाराष्ट्र में सरकार से बाहर हो जाएगी। हमारी नीति इसके बारे में स्पष्ट है, एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो विश्वासघात करती है। हम सत्ता में भी एनसीपी के साथ नहीं होंगे। अगर बीजेपी एनसीपी को अपने साथ ले जाती है तो महाराष्ट्र इसे पसंद नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना, क्योंकि लोगों को हमारा कांग्रेस और रांकपा के साथ जाना पसंद नहीं आया। अजीत पवार से संपर्क नहीं होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी जो मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है और हमारे मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित का कोई संबंध नहीं है। अजीत पवार असंतुष्ट हैं क्योंकि उनके बेटे पार्थ पवार हार गए थे चुनाव। शिरसाट की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार दावा किया अजीत पवार को भोर नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ में आयोजित शपथ समारोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ढाई साल बाद शरद पवार ने कहा कि ये राष्ट्रपति शासन को हटाने का एक प्रयोग था। हमें एमवीए की चल रही रैलियों में अजीत पवार के रुख की तलाश करनी है। वो नागपुर में रैली में नहीं बोल सके। जिस पार्टी के पास केवल 15 विधायक हैं, उद्धव ठाकरे का जिक्र प्रमुख वक्ता है, और जिसके पास 54 विधायक हैं, वो है साइड ट्रैक। ये अजीत पवार का अपमान है, शिरसाट को रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था।